नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, प्राचीन वेदों में सूर्य को सर्व जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त जीवों की आत्माओं का ऊर्जा स्रोत सूर्य देव ही है। सूर्य से ही सृष्टि पर जीवन है। सूर्य का शाब्दिक अर्थ प्रेरक होता है। यह सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। यजुर्वेद में कहा गया है, चक्षो सूर्यो जायत, अर्थात सूर्य भगवान का नेत्र है। इसीलिए साक्षात भगवान सूर्य की किरणों के माध्यम से समस्त संसार का संचालन करते हैं। मनुष्य को सूर्य भगवान को जल देकर उनका आभार प्रकट करना चाहिए। यदि नित्य सूर्य को जल देना संभव नहीं है तो व्यक्ति को रविवार के दिन सूर्य देव को जल अवश्य ही देना चाहिए। इससे मनुष्य को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, सूर्य इस संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक जीव का आधार है। सूर्य देवता के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। परम तेजस्वी सूर्य देवता की उपासना करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सूर्य देवता की पूजा के साथ ही उन्हें अर्घ्य देने का भी प्रचलन है। सूर्य देवता को अर्घ्य देने से मनुष्य के जीवन में कई सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव होते हैं। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण भी सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महत्ता का वर्णन कई बार किया है। रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्य की शक्ति इतनी अलौकिक है कि इसके बिना ये पूरी धरती तहस नहस हो सकती है। सूर्य देव प्रकाश, सकारात्मकता, इंद्रिय संयम, ऊर्जा आदि के देवता है। अगर आप जीवन में निराश और हताश महसूस कर रहे हैं, आपका मन आपके वश में नहीं है, आपका स्वभाव अत्यंत क्रोधी है, आप अपने काम भाव पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, शरीर में बेचैनी महसूस होती है और आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो आप सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। सूर्य देव को मात्र जल चढ़ाने से आपके सभी संकट दूर हो सकते हैं। संसार की हर परेशानी का हल सूर्य देव के पास ही है। आपकी हर समस्या का समाधान सूर्य को जल अर्पण करने से ही प्राप्त हो सकता है। सूर्य देवता की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन आप सुबह स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इसके आपको कई फायदे होंगे। कुछ ही समय में आप खुद इसका प्रभाव महसूस करेंगे कि सूर्य देव की कृपा से आपका जीवन कितना बेहतर हो गया है। आप पाप, रोग, भय आदि दोषों से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपका शरीर स्फूर्तियुक्त, रोगों से मुक्त हो जाएगा और आप प्रत्येक कार्य को उत्साह से कर पाएंगे। कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के शुभ या अशुभ स्थिति में होने से हमारे जीवन पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में सूर्य यदि शुभ स्थिति में होता है तो हमें समाज में भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलती है। वहीं कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें पानी में डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। किंतु मित्रों, कई मनुष्य सूर्य को जल देते समय बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। सूर्य को जल देते समय महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते हैं। गलत तरीके से अर्घ्य देकर सूर्य देव का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही केवल सूर्य को जल देने से फल की प्राप्ति नहीं होती है, सूर्य को जल देते समय विधि का पालन करते हुए सूर्य देव के मंत्र का जाप करना भी आवश्यक है, तभी सूर्य को जल देने का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव अप्रसन्न होने पर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है, उसे चारों ओर से अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की आँखों की रोशनी चली जाती है और उसे गंदा भोजन प्राप्त होता है। फलस्वरूप व्यक्ति की विद्या कम हो जाती है, वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे तुरंत ही भूल जाता है। पिता पुत्र में अकारण ही वाद विवाद होने लगता है। सूर्य देवता रूठ जाने पर व्यक्ति पर गलत इल्जाम लगते हैं
और उसके हाथ से अनजाने में कई अपराध हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को अनिष्ट कार्य करके सूर्य देव को रुष्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य देव का हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व है। यदि आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। आइए जान लेते हैं सूर्य को अर्घ्य देने के वह महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं। सूर्य को जल देते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और सूर्य को जल देते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि हमें सूर्य उपासना का संपूर्ण फल प्राप्त हो। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, अर्घ्य देने से तात्पर्य यह है कि सूर्य देवता को भक्ति भाव से जल अर्पण करना। यह जल आप दोनों हाथों की ओंजल बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप हाथों की ओंजल बनाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं, तो अपने हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर ना रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श ना होने दें। दोनों हाथों के अंगूठों को फैलाकर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर रखते हैं, तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है। यदि आप पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं, तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श ना हो, इसका ध्यान रखें। अर्घ्य देते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़े और सिर झुकाकर रखें। सूर्य देवता को अर्घ्य हमेशा सूर्योदय के समय देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना करना हमेशा ही शुभ होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्घ्य देने का कोई भी औचित्य नहीं होता है। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय अर्घ्य ना दे सके, तो 3 बार अर्घ्य देने के बजाय 4 बार अर्घ्य दें और सूर्य देवता से क्षमा मांग लें। इससे दोष कम हो जाता है। सूर्य को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए। तांबा को सूर्य देव की प्रिय धातु माना गया है, इसीलिए सूर्य को जल देने के लिए केवल तांबे से बने पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य धातुओं से बने पात्रों में सूर्य को अर्घ्य देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जठराग्नि के रूप में आमाशय में अन्न को पचाने का कार्य सौंपा है। इसी कारण से तांबे के पात्र में रखे जल को पीने से व्यक्ति पेट से जुड़े रोगों से भी मुक्त हो जाता है। उस तांबे के पात्र में गंगाजल या पवित्र नदियों का जल भरें। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। मात्र जल से कभी भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। जल के पात्र में जल के साथ मुख्य रूप से कोई भी लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत जरूर डालें। आप चाहें तो इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, दूध या गुड़ इत्यादि भी मिला सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही समय तब होता है जब सूर्य लालिमा लिए हो, अर्थात जब प्रातः काल में सूर्य लाल रंग का दिखाई दे, तो उस समय अर्घ्य देना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। मित्रों, यदि आपने सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प लिया है, तो यह संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का भी आपने संकल्प लिया हो, उतने दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि आप संकल्प को पूरा नहीं कर सकते, तो ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए, इससे सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को जल देने का मंत्र बताया है, जिसका उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम खकोलकाय नमः। इसके अलावा आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को जल देने से दरिद्रता का अंत होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य देव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन ही हमें उनका आभार मानना चाहिए। परंतु ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन माना जाता है, इसलिए अपनी कुंडली से सूर्य दोष को दूर करने के लिए आपको रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य देवता का उपवास रखना चाहिए और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य देव से संबंधित वस्तुएं हैं तांबा, गेहूं, गुड़, चंदन तथा पीले रंग के वस्त्र आदि। इन वस्तुओं का रविवार के दिन दान करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है।
यदि आप बीमार हैं अथवा घर में सूतक है या अन्य कोई समस्या है जिसके कारण आप सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए शास्त्रों में मानस पूजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि आप अपने मन में ही सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। मित्रों, सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है और यदि किसी कारणवश सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप उनका मन ही मन स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन कभी भी सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प ना छोड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी सूर्य देव को अर्घ्य देकर सूर्य देव की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।